अरे मॉम, आप ये सब आप क्यों कर रही हैं? आपने गोपी को बोल दिया होता तो वो कर देती। क्यों, मैं अपने बेटे के कमरे में नहीं आ सकती हूँ? मॉम, ऐसी बात नहीं, ये घर आपका है, ये कमरा आपका है, आपका जब दिल चाहे आप आ सकते। तो फिर अभी ऐसा क्यों कहा? अहम, तुम्हारे सारे काम पहले मैं ही तो किया करती थी, है ना? दरअसल ये सारे कपड़े मैं अपने कमरे में लेकर जा रही थी, तो सोचा तुम्हारे कपड़े तुम्हारे रूम में रख दूं। थैंक यू। अहम, दिख रहा वो गाड़ी की डिलीवरी कल होने वाली है ना? हाँ मॉम, बोला तो है 9 बजे तक गाड़ी लेकर आ जाएगी। तुम्हारी गाड़ी जिगर को देने वाले हैं, तो हमारी तरफ से कम उसे कुछ देना चाहिए गाड़ी के लिए। हाँ मॉम, मैं भी यही सोच रहा था कि अहम, नए सीट कवर्स दे तो। हाँ ठीक है मॉम, यही सही रहेगा। सारू, अब तुम दोनों आराम करो, मैं चलती हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच, आपने कार की डिलीवरी टाइम पे कर दी। और हाँ, केदार भाई को मेरा खास तौर पे थैंक यू कहना। जी जरूर। जिगर, मॉम, काका, पापा, प्लीज जल्दी आइए। राशि, वो रंग तो नहीं है जो मैंने बा को बताया था? हाँ, वो शायद जल्दी जल्दी में उन्हें कलर मिला नहीं होगा, इसीलिए। देखिए, ये रंग भी बहुत अच्छा है ना? हाँ। अहम, गाड़ी बहुत अच्छी है। थैंक यू मॉम। केम जिगर? हाँ काकी जी, बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी है। वो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि घर से गाड़ी ऑफिस चली जाती है, और अगर किसी को बाहर जाना हो तो गाड़ी नहीं है। कल ही की बात है कि जिगर को ऑफिस ऑटो में आना पड़ा, तो मैंने और काका ने तय किया क्यों ना एक नई गाड़ी खरीदी जाए, तो इसलिए बस। थैंक यू पापा। इट्स ओके बेटा। थैंक यू भाई। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। जिगर ये ले। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा चल ठीक है, अब ऐसा कर, अब जल्दी से काका, काकी और राशि को अपनी कार में ड्राइव पे ले जा। और वैसे भी तुझे मेरी वाली कार बहुत पसंद है, तो आज से ये कार तेरी। जिगर दिख रहा, एक काम कर, सबको तू एक अच्छी सी चाट की दुकान पे लेके जा। बा, चाट की दुकान पर जाकर चाट भी खाएंगे।
लेकिन परिवार में एक नई गाड़ी आई है। सबसे पहले गाड़ी के साथ हम मंदिर चले जाते हैं, ईश्वर से आशीर्वाद ले लेते, फिर चाट खा लेंगे। सही है कोकिला बहू। मां, गोपी दिखाई नहीं दे रही। गोपी का रसोड़े में कुछ काम है, वो कर रही है। हम सब चलते हैं जी। मोटा भाई, मोटा भाभी, चलिए। मां, पापा, काका, बा, आप मेरे साथ नई गाड़ी में आइए। जिगर, तू काका, काकी और राशि को दूसरी कार में लेके। जी भाई। आप नवी गाड़ी? वो क्या है कि अहम को गाड़ी की अच्छी समझ है, और वैसे भी जिगर को तो उसकी पसंद की गाड़ी मिली गई है। अब भाई, ये गाड़ी तो सबकी गाड़ी है। माँ, चले? हाँ जिगर जी, चलिए हम सब मंदिर चलते हैं। हमें हमारी इस गाड़ी के लिए भी तो प्रार्थना करनी है, भले ही वो नई नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो नई है ना। मॉम, आप लोग जाके गाड़ी में बैठिए, मुझे प्यास लगी, मैं पानी पी के आता हूँ। अब नहीं है, तुम यहीं रुको। मीठी, जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ अहम के लिए। जी रानी भाभी। गोपी को मैसेज करता हूँ। अहम बेटा, देर हो जाएगी, चलते हैं। ठीक है, चलो बा। चलो चलो चलो, हाँ आओ। जिगर जी, मैं जानती हूँ कि आपको ये गाड़ी बहुत पसंद है, लेकिन सच में अहम चीजों की चॉइस को भी दाद देनी पड़ेगी। मतलब देखिए ना, उनकी गाड़ी से तो मेरी नजर ही नहीं हट रही थी। कलर, मॉडल, सब कुछ A1 है। वैसे हाँ, अहम चीजों का फेवरेट कलर भी वाइट है, इसीलिए तो उन्होंने पहली वाली गाड़ी और ये नई गाड़ी दोनों वाइट कलर की ली। अहम जीजू ने ये गाड़ी भी बहुत अच्छे से मेंटेन की है, नई जैसी है। केतन, तुम्हें क्या हुआ?